भारत जोड़ो यात्रा नांदेड मध्ये आहे आणि आपल्या सोबत आहेत शायर कवि इमरान प्रतापगढ़ी। बोल के लब आजाद है तेरे। मैं पिछले 64 दिन से, 64वां दिन है हम इस यात्रा का हिस्सा हैं, और जब मैं महसूस कर रहा हूँ पूरे देश में चल करके, ये 5वां 6वां राज्य है, इस यात्रा का जो मैसेज है वो इतना शानदार और इतना बड़ा है। मैं तो आज एक कविता भी, आज ही एक कविता मैंने लिखी कि उदास मौसम बदल रहा है, उदास मौसम बदल रहा है, दिलों में लावा उबल रहा है, धुएं का पर्वत पिघल रहा है, सुबह सुबह वो हुजूम लेकर के सफर पे निकले तो ऐ यूं लगे हैं कि जैसे सूरज निकल रहा है, वो चल रहा है। राहुल गांधी लगातार चलते जा रहे हैं, देश जुड़ता जा रहा है, और पहली बार देश देख रहा है कि किस तरह से सड़क पर उतर करके, पसीना बहा करके, खुद को तपा करके एक व्यक्ति भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो राहुल जी की यह तपस्या बहुत बड़ी है और हम सब इस तपस्या में उनके साथ खड़े हैं, उनके सिपाही बन करके। आप तो महाराष्ट्र से सांसद भी है, तो वैसे तो आप महाराष्ट्र के ही हो गए अभी, तो ऐसा है कि लोगों में एक ऐसी प्रश्न है लोगों को पड़ा हुआ कि राहुल गांधी तो अपना काम कर रहे हो तो निकल पड़े हैं, तो अब कांग्रेस के नेता हर राज्य में ये मूवमेंट लेके कैसे जाएंगे, हर तबके में कैसे जाएंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब ये है कि राहुल जी की यात्रा जिस स्टेट से गुजर जा रही है वहाँ हम लोग ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं, संविधान बचाओ यात्रा या फिर भारत जोड़ो रैलियाँ, अलग अलग जोन में जा करके हम इस सफर को रोकेंगे नहीं, हम इस यात्रा को यहाँ स्टॉप नहीं करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस यात्रा को गांव-गांव तक ले जाएं, वो इलाके जो छूट गए हैं, जहां राहुल जी का संदेशा नहीं जा चुका है, हम वहां इस संदेशे को लेकर के जाएंगे और देश को जोड़ने की हमारी कोशिश चलती रहेगी, सतत चलती रहेगी। अभी ऐसा है कि दिनकर होते या फिर दुष्यंत कुमार होते तो बात अलग थी, वो तो भूमिका लेके मैदान में आ पड़ते और बोल देते सरकार को जो बोलना है। आज इमरान प्रतापगढ़ी क्या बोलना चाहते हैं? जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। क्या बात है। तर हे होते इमरान प्रतापगढ़ी, और ज्यांनी सांगितलं आहे की आम्ही काँग्रेसचे सगळे नेते राहुल गांधींसोबत आहोत। कॅमेरामन अजित सोबत अभिजित करंडे, एबीपी माझा, नांदेड। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।